यहाँ के किसानों ने जून 2018 में जब फार्म ऑफ स्कूल में शिरकत कर रहे थे तो इन्होंने एक सोचा कि क्यों ना हम जब चावल लगाते हैं और चावल को एक बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तो क्यों ना उसमें मछली भी अगर पाली जाए तो क्यों हमें कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो फिर हमारे एक किसान ने इसी फार्म ऑफ स्कूल के एक पार्टिसिपेंट ने ये प्लान बनाया कि अगर वो एक एकड़ चावल लगा रहा है तो उसके अंदर मछली का बंदोबस्त किया जाए। हम पहले सिर्फ चावल काश्त करते थे, हमारे इलाके में ना ये एक नई चीज़ है, हमने चावल के साथ मछलियों को पाला है। यहाँ पे एफएओ की टीम आई है तो उन्होंने हमें एक नया तरीका समझाया है। हमारे एक्सपर्ट्स ने मशवरा किया, सब ने मिल के, किसानों ने भी, 3 फुट का गहरा एक छोटा सा तालाब भी साथ में बना दिया उसी खेत के अंदर। फिर एक मछली तिलापिया के नाम से उसको आइडेंटिफाई किया और फिर वहाँ पर तिलापिया के कुछ 500-600 फिंगरलिंग्स जो हैं उनको छोड़ा गया। अभी हमारी फसल भी तैयार है और मछली भी तैयार हो चुकी है, अभी इसको भी हम खा रहे हैं। इस लर्निंग से इनको ये मिल रहा है कि जो नेक्स्ट प्लान बनाने जा रहे हैं जिन्होंने हमसे शेयर किया है, साथ में ये मुर्गी की को भी इसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि उसकी बाकिया से इस मछली की फीड का बंदोबस्त किया जाए। ख़ासतौर पे सब्जियों को इसमें ऐड करने की कोशिश की जा रही है जिसको वेजिपो फिश के नाम से हमने सेलेक्ट किया कि इसमें वेजिटेबल भी हो, फिश भी हो एंड पोल्ट्री भी हो और ये पूरे ख़ानदान के लिए अराउंड द ईयर इनको खुराक की अवेलेबिलिटी रहे और इनको बाहर मार्केट से ज़्यादा खुराक के लिए ना जाना पड़े।